वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 81 रन से हराया दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने जीत के साथ ही आगाज किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने सभी विकेट खोकर 286 रन बनाए थे। वहीं नीदरलैंड्स की टीम 41 ओवर में 205 पर बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान के 286 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स ने धीमी शुरुआत की। मैक्स ओडार्ड मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि विक्रमजीत सिंह ने अर्धशतक जड़ा, वह 52 रन बनाकर आउट हुए। बास डी लीडे का ऑलराउंड शो। इसके बाद ऑलराउंडर बास डी लीडे ने मोर्चा संभाला और 67 रन की पारी खेली। डी लीडे के आउट होते ही नीदरलैंड्स की पारी संभल नहीं सकी और एक बाद एक विकेट गवाए। पूरी टीम 41 ओवर में 205 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने 3 विकेट लिए, जबकि हसन अली को 2 विकेट मिले।